नमस्कार, न्यूज 1:11 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती बाला। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रियंका गांधी के लखनऊ में किए गए रोड शो पर बीजेपी ने निशाना साधा। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि राहुल गांधी सुस्त पड़े नजर आ रहे हैं, जिसके कारण प्रियंका गांधी को आगे कर रहे हैं। शो करना या किसी पार्टी के नेता का किसी क्षेत्र में जाना घूमना, इस पर कहीं कोई किसी को प्रतिबंध नहीं है। लोकतंत्र में अधिकार है रोड शो करना, लोगों के बीच जाना, लोगों के सरकार के बारे में जानकारी देना। विपक्ष का काम है विरोध करना और ये लोकतंत्र में सब कुछ चलते रहता है, तो रोड शो पर कोई कमेंट नहीं। और दूसरी बात है कि अब हमको लग रहा है कि राहुल जी शायद फेल कर रहे हैं। राहुल जी फेल कर रहे हैं इसलिए प्रियंका जी को लाए हैं और प्रियंका जी आए। लोहरदगा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बलिदान के रूप में मनाया गया, जिसकी शुरुआत पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव ने किया, साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बलिदान भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाने जा रही है। 12 फरवरी से 2 मार्च के बीच में मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान के तहत पूरे कंट्री में, पूरे देश में 10 करोड़ कार्यकर्ता अपने अपने घरों में झंडे लगाएंगे, स्टिकर लगाएंगे और अगल बगल के घरों में भी झंडे लगाएंगे और सबको जाकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में बताएंगे। झारखंड में करीब 35 लाख कार्यकर्ता एक एक घर जाएंगे, झंडे बांधेंगे, पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराएंगे और ये हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और हम मानते हैं कि इस बार पार्टी 2 मुख्य नारों के साथ चुनाव में जा रही है, अब की बार 400 पार। और अब मनेर में बदलाव यात्रा की शुरुआत के पूर्व राजद नेता ने किन्नर डांस कराया। बताया जा रहा है कि राजद कार्यकर्ताओं ने किन्नर डांस के साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत में रैली निकाला भी और वहीं किन्नर डांस के दौरान राजद नेताओं ने जमकर रुपए भी लुटाए, जहां बिहार के नीतीश कुमार के सरकार को उखाड़ फेंकने की बात भी कही है। जो भी कलाकार है वो भी अपने कला को प्रदर्शित कर रहा है कि हम जो आज 15 साल से भोग स्वागत में हैं, जसवीर जी के स्वागत में आए हैं। क्या करना है? प्रोग्राम करना है, खुशी करने आए हैं, खुशी के लिए आए हैं, स्वागत लिए स्वागत में कर रहे हैं प्रोग्राम। पटना के कदमकुआं थाने में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के पहुंचने पर हड़कंप मच गया। बता दें कि कदमकुआं इलाके में 10 लाख कैश की लूट के बाद बिहार के डीजीपी अब पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं, साथ ही सीट टीम का भी गठन किया है। ठीक है, मैसेज जाएगा, मैंने कहा है हमारे यहाँ 1400 थाने बिहार भर में और मैं बार बार ये मैसेज दे रहा हूँ सामने प्रभारियों को, मन से काम करो, अपराधी को झुको। मैं चाहता हूँ अपराधी भागते नजर आए, पुलिस दौड़ाते नजर आए। मैं कभी भी किसी भी थाना में बिहार के दूर दराज में भी कभी भी पहुँच सकता हूँ। मुझे अपनी टीम को पहले ठीक करना है और अपराधी को दौड़ते हुए भागते हुए नजर आना चाहिए। सारण के मढ़ौरा में स्थानीय डीजल इंजन कारखाना में निर्मित इंजन पर रोज की तरह मढ़ौरा लिखे जाने को लेकर हुए हंगामे में विधायक समेत 90 लोगों ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी में स्थानीय विधायक के अलावे कुल 90 लोग शामिल थे, जिन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। अगली रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग फिर साथियों के साथ बैठ कर रणनीति तय करेंगे। आगे हम लोग जब तक रेल इंजन पर मेड इन हटाकर मेड इन मढ़ौरा नहीं लिखाएगा तब तक हम लोग लड़ाई जारी रहेगी। नौजवानों को नौकरी जब तक नहीं मिलेगा हम लोग की लड़ाई। खबर नवादा से आ रही है, जहां मस्कौर थाना क्षेत्र की अरंडी गांव में के समीप एक युवक की हत्या कर शव को गायब कर दिया गया। गांव में पहाड़ के समीप तलहट्टी पर एक व्यक्ति की सिरकटी लाश मिली, जिसकी सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है। जो लाश वहां सर मुड़ी कटा हुआ था, हम लोग गए सूचना मिलने के बाद तो वहाँ सन्मूरी नहीं मिला, हम लोग बरामद किए यहाँ से। कहाँ से? सीताकुंड है या आंडी गांव के बगल में उसी जगह से लगता है सर, आप पता नहीं क्या है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।